स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 11th केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जिसका नाम है द गैसियस स्टेट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं द गैसियस स्टेट। तो स्टूडेंट्स देखो, गैसेस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था। जनरली हम ये कहते हैं अगर हम गैसेस के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करें और टेम्परेचर लो रखें तो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं। तो वो गैसेस जो इजीली लिक्विफाई हो जाएं उनको हम क्या कहते हैं? रियल गैसेस। अब गैसेस स्टेट का एक नया फॉर्म, एक हाइपोथेटिकल फॉर्म कंसिडर किया गया जिसका नाम था आइडियल गैसेस। ओके, तो गैसेस स्टेट के दो पार्ट्स हो सकते हैं। एक आइडियल गैसेस और सेकंड है रियल गैसेस। आइडियल गैसेस को एक और नाम देते हैं द परफेक्ट गैसेस, जो हमेशा गैस ही रहती है। आइडियल गैसेस का मतलब ये है ऐसा गैसेस स्टेट, ऐसे ही सब्सटेंस जो हमेशा अपने गैसेस स्टेट में रहे। और रियल गैसेस का मतलब है जो एक्चुअली ऐसी गैसेस जिन पे प्रेशर लगाकर लो टेम्परेचर पे हम उनका लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आइडियल गैस को कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये एक तरीके का हाइपोथेटिकल गैसेस स्टेट है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि आइडियल गैसेस नहीं हुआ करती, एक तरीके का हाइपोथेटिकल गैसेस स्टेट है जिसमें ये एज्यूम किया जाता है कि गैस मॉलिक्यूल्स में ना तो अट्रैक्शन हो रहा है और ना ही रिपल्शन। तो आगे क्या लिखेंगे? नो अट्रैक्शन और वी कैन से रिपल्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स। इसके ऑपोजिट जो रियल गैसेस होती हैं, इनमें गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन भी होता है और इनमें रिपल्शन भी होता है। तो रियल गैसेस के लिए लिखेंगे हैविंग अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कह रहे हैं कि आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कोई तरीके का अट्रैक्शन नहीं है और ना ही रिपल्शन है, तो आपको पता होगा फिजिक्स का एक कंसेप्ट है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं तो उनको ऑब्जेक्ट्स में म्यूचुअली क्या क्रिएट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम कह रहे हैं कि आइडियल गैसेस में वो ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है और ना एक दूसरे को रिपेल कर रही है, इसका मतलब क्या है कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? जीरो। तो देखो, आपको पता होगा अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल की टोटल एनर्जी के दो पार्ट हो सकते हैं, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड इज द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हमने यहां पर कह दिया इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, डेट मीन्स इनकी जो टोटल एनर्जी होती है उसमें केवल क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर देयर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू देयर काइनेटिक एनर्जी। और अगर रियल गैस की बात करें तो यहां हमने लिख रखा है कि इनमें अट्रैक्शन भी है और इनमें रिपल्शन भी है। डेट मीन्स रियल गैस पार्टिकल जो होते हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और साथ साथ में उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सो यहां क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, अगर आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में कोई भी तरीके का अट्रैक्शन नहीं है तो जब मैं गैस को कंप्रेस करूंगा तो गैस मॉलिक्यूल्स पास में तो आएंगे पर एक दूसरे से एसोसिएट नहीं होंगे। डेट मीन्स यहां पर गैसेस का लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता। सो आइडियल गैसेस कैन नॉट लिक्विफाई, इनका लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। बट देखिए, यहां तो अट्रैक्शन है, डेट मीन्स लो टेम्परेचर पे अगर मैं एक गैस को कंप्रेस करूंगा तो गैस मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे
एक दूसरे से एसोसिएट हो जाएंगे, और एसोसिएट होने के बाद में गैसेस स्टेट कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट. दैट मीन्स रियल गैसेज में लिक्विफिकेशन पॉसिबल है. सो आगे क्या लिखेंगे, रियल गैसेज कैन लिक्विफाई एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. अब आप लोगों ने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन. जी हाँ, वो आइडियल गैस इक्वेशन इन गैसेस के ऊपर काम करती है. तो अब आगे हम क्या कह सकते हैं कि आइडियल गैसेस का जो मूवमेंट है, उनका जो नेचर है, उसको गवर्न करने के लिए जिस इक्वेशन को यूज किया जाता है वो कौन सी है, आइडियल गैस इक्वेशन. देयरफॉर द नेचर ऑफ आइडियल गैसेस इज गवर्न्ड बाय आइडियल गैस इक्वेशन. सो गवर्न्ड बाय आइडियल गैस इक्वेशन. व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT. व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, इट इज PV इक्वल टू nRT. ठीक है, यहां पे P क्या है, इट इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ओवर द वॉल ऑफ द कंटेनर. सो V क्या है, इट इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स फॉर देयर फ्री मोशन. क्या है, द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस मॉलिक्यूल फॉर देयर फ्री मोशन. व्हाट इज n, मोलर क्वांटिटी ऑफ द गैस. What is T? The absolute temperature of the gas, that is the temperature in Kelvin scale. So what is R? It is a universal gas constant. Now, real gases क्या होती है? Real gases का जो nature होता है उसको govern करने के लिए हमारे पास में बहुत अलग अलग तरीके की equations हैं. But जो सबसे ज़्यादा well known equation है उसको हम कहते हैं the van der Waal equation of state. So real gases के लिए हम लिख सकते हैं that their nature is governed by van der Waal equation of states. और देखो equation का format क्या होता है, P observed plus a n square upon v square v minus n v equal to n r t. इस इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये पी ऑब्जर्व क्या है, ये वो प्रेशर है रियल गैसेस का जो कंटेनर है उसकी वॉल पे लगा प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर. ये इसमें ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर क्या है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है कि अगर हम माने कि रियल गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर रहे हो और सभी रियल गैस मॉलिक्यूल अगर कंटेनर के वॉल से टकरा रहे हो तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो सकता था वो कौन सा है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. इसको कहते हैं प्रेशर करेक्शन. वी यहाँ पे क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. एन बी यहां पर क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन मोल ऑफ द गैस मॉलिक्यूल. एन यहां पर क्या है, गैस मॉलिक्यूल हो गया वो भी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. और एन टी यहां पर क्या हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, एन एन इज द मोलर क्वांटिटी ऑफ द गैस. ठीक है, यहां पर एन बी को हम वॉल्यूम करेक्शन भी कहते हैं और ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर को हम प्रेशर करेक्शन भी कहते हैं. जब हम रियल गैस का पोर्शन इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर करेक्शन को डिराइव कैसे किया जाता है और कैसे हम वॉल्यूम करेक्शन को डिराइव करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि गैसेज दो तरीके की होती है, एक तो आइडियल गैसेज और दूसरी रियल गैसेज. वॉट आर आइडियल गैसेज, दोज गैसेज, दोज हाइपोथेटिकल गैसेज स्टेट इन विच गैस मॉलिक्यूल्स नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर. अगर वो अट्रैक्ट और रिपेल नहीं कर रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो. डेट मीन्स उनकी टोटल एनर्जी क्या होगी, केवल काइनेटिक एनर्जी. ओके, आगे जो आइडियल गैसेज होती हैं उनका लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और इनके नेचर को रेगुलेट करती है एक इक्वेशन जिसका नाम है द आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एन आर टी. आप लोगों को पता होगा ये आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम तीन लॉज को यूज करते हैं. वो लॉज कौन से होते हैं, द बॉयल्स लॉ, द चार्ल्स लॉ एंड द एवोगैड्रो लॉ. आगे द रियल गैस इक्वेशन, रियल गैसेज वो होती हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकता है. अगर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन रिपल्शन पॉसिबल है तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी. डेट मीन्स इनकी टोटल एनर्जी में होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. नाउ अगर इनमें अट्रैक्शन पॉसिबल है तो हम रियल गैसेज को क्या कर सकते हैं, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर लिक्विफाई कर सकते हैं. आगे देखते हैं
रियल गैसेस के नेचर को रेगुलेट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन मानी जाती है वो कौन सी है? द वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट. वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? पी ऑब्जर्व द ऑब्जर्व प्रेशर ऑफ द गैसेज प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर. ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन अभी मैंने लिखी थी डेट पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसका आखिर डेरिवेशन कैसे हुआ था. तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेरियस गैस लॉस. उन वेरियस गैस लॉस में जो सबसे पहला लॉ है उसे कहते हैं बॉयल्स लॉ. ओके, फर्स्ट लॉ हो गया बॉयल्स लॉ. देखिए बॉयल्स ने बड़ी सिंपल सी बात कही थी, इसने एक्सपेरिमेंट से अपना एक लॉ दिया था. एक्सपेरिमेंट क्या था? उसने एक कंटेनर लिया, जैसे हमने यहां पे कंटेनर ले लिया है, और इस कंटेनर में गैस फिल कर. ओके, अब उसने कहा कि इस कंटेनर में गैस हमने फिल कर दी है और हमने लेट हमने इसका टेम्परेचर भी जो है वो कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं करा. अब हम क्या करें, ये जो पार्टीशन है इसको मूव करें. तो पार्टीशन को मूव करने पर जो गैस का प्रेशर है वो चेंज होगा. कैसे चेंज होगा? अगर हम पार्टीशन को ऊपर लेके जाएंगे तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं अब वो थोड़ा कम प्रेशर जनरेट करेंगे. डेट मीन्स ऊपर की तरफ जाने पर जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है तो प्रेशर क्या हो रहा होता है? डिक्रीज. अपने एक्सपेरिमेंट में बॉयल्स ने ऑब्जर्व करा कि डेट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय फिक्स क्वांटिटी ऑफ एन गैस एट फिक्स वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम. तो उसने लॉ क्या दिया? डेट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. तो जो प्रेशर था वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था. तो इसका मतलब क्या हो गया? P इज इक्वल्स टू, एक हम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं K1, वन प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर, अपॉन V, और P इंटू वी इज इक्वल्स टू K1, ये कॉन्स्टेंट मिल गया. इसे कहते हैं बॉयल्स. सो उसका स्टेटमेंट क्या होता है? फॉर फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ गैस एनक्लोज इन अ कंटेनर द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. तो क्या आया? पी इज इक्वल्स टू के वन अपॉन वी और पी वी इज इक्वल्स टू के वन. अब देखो पी वी इज इक्वल टू के वन है तो प्रेशर और वॉल्यूम में कर्व कैसा बनेगा? इस तरीके का. प्रेशर और वॉल्यूम, ये इस तरीके का कर्व आ गया. तो स्टूडेंट्स आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए ये जो कर्व मैंने प्रेशर और वॉल्यूम में बनाया है इसका टोटल एरिया किसके बराबर आएगा? ठीक है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू के वन, वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू के वन. डैट मीन्स ये जो कर्व मैंने बनाया है इस कर्व का जो टोटल एरिया है वो कॉन्स्टेंट के वन के बराबर आता है. तो ये जो एरिया इसका आएगा, एरिया अंडर द कर्व, वो किसके बराबर होगा? ये कॉन्स्टेंट के वन. तो ये बात बॉयल्स को भी बताती कि जो एरिया आएगा वो उसके कॉन्स्टेंट के वन के बराबर होगा. अब बॉयल्स ने देखा कि क्या ये कॉन्स्टेंट, क्या ये एरिया वेरी कर सकता है. तो बॉयल्स ने ये जो चैम्बर क्या था उस चैम्बर में गैस के मास को इंक्रीज करा, गैस की क्वांटिटी को इंक्रीज करा. तो देखा गैस की क्वांटिटी को इंक्रीज करने पर ये जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज. तो उससे उसने क्या कहा? डेट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट के वन इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ द गैस. इज राइट प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ द गैस. और उसने क्या बताया कि अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज करें गैस का तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो देखा उसने टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर भी ये जो कर्व बना रखा है इसका एरिया हो जाता है इंक्रीज. तो आगे उसने कहा डेट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट के वन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस. तो कॉन्स्टेंट के वन जो था वो गैस की क्वांटिटी और गैस के टेम्परेचर दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. तो देखिए अब कर्व कैसे कैसे बन सकते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम. एक कर्व ये हो गया और दूसरा कर्व ये हो गया. अगर यहां पे हम कह रहे हैं टेम्परेचर T1 है, यहां टेम्परेचर T2 है, तो बॉयल्स लॉ से क्या समझ में आता है? T2 की वैल्यू क्या होगी? T1 से हाई होगी. अब आगे देखते हैं इसका और क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. तो देखिए हमें स्टूडेंट्स ये बताया डेट पी वी
इज इक्वल्स टू के वन. हम दोनों साइड्स का ले लेते हैं लो, तो एस पी वी इज इक्वल्स टू के वन, देयर फोर एल एन ऑफ पी वी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ के वन. तो क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ पी एल एन ऑफ वी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ के वन. सो एल एन ऑफ पी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ के वन माइनस एल एन ऑफ वी. अब इस इक्वेशन को हम गौर से देखें तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनता है जिसमें फॉर्म क्या आया, वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स. इसका फॉर्म क्या आ रहा है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का, वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, जहां पे सी क्या हो गया इसका इंटरसेप्ट. तो एल एन ऑफ पी और एन एल ऑफ वी में जो कर्व आएगा उसका इंटरसेप्ट कितना होगा, एल एन ऑफ के वन. अब उसका स्लोप कितना आएगा, देखिए आगे क्या दे रखा है यहां पर, वन. तो कर्व कैसा बनेगा, इसमें एल एन ऑफ पी एल एन ऑफ वी कर्व इस तरीके से आएगा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, जिसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ के वन, और इसका स्लोप कितना आएगा, माइनस वन. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बॉयस लॉ से जुड़े हुए कोई न्यूमेरिकल अगर आए तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं बॉयस लॉ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन. जैसे क्वेश्चन नंबर वन, कंस्ट्रक्ट कर्व बिटवीन प्रेशर एंड वन अपॉन वी एट थ्री डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर. वैल्यूज है क्या है, T1, T2, T3. तो हमारे पास में टेम्परेचर की तीन अलग अलग वैल्यूज हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, T1, T2 और T3. तो हमें गैस के प्रेशर और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी उसके बीच में कर्व प्लॉट करना है, वन अपॉन वी में कर्व प्लॉट करना है. तो ये कर्व कैसा होगा, यहाँ प्रेशर ले लेते हैं और यहाँ क्या लेंगे, वन अपॉन वी. तो देखिए रिलेशन क्या है, पी इज इक्वल्स टू के वन मल्टीप्लाई वन अपॉन वी. पी इज इक्वल्स टू के वन मल्टीप्लाई वन अपॉन वी एक तरीके की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई, जहाँ पे वाई एक्सिस हो गया, वन अपॉन वी क्या हो गया हमारा, एक्स एक्सिस. केवल स्लोप है और इंटरसेप्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और स्लोप भी कैसा है, ये कॉन्स्टेंट अमाउंट यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट. तो ये कर्व कैसे बनेगा, इस तरीके से ओरिजिन से स्टार्ट हो, तो ऐसा आपने कर्व बना दिया. अब देखिए टोटल तीन कर्व बनाने पड़ेंगे क्योंकि टेम्परेचर की तीन अलग अलग वैल्यूज हैं, और टेम्परेचर की अलग वैल्यूज पर अभी हमने देखा था ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू पर डिपेंड करती है. तो अगर कॉन्स्टेंट चेंज होगा तो टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज. तो तीन हमने अलग अलग कर्व्स बना दी. अब इसमें ये मेंशन करना है कि ये तीनों कर्व्स में टेम्परेचर की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है आउट ऑफ T1, T2 एंड T3. तो देखिए सिंपल सी बात है, ये जो कर्व्स हमने बना रखे हैं इनके स्लोप की वैल्यू किसके बराबर है, इस कॉन्स्टेंट के, और ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू के प्रोपोर्शनल है. डेट मीन्स जब टेम्परेचर हाई होगा तो स्लोप की वैल्यू ज़्यादा होगी. तो सबसे बड़ा स्लोप कौन सा है, इस वाले कर्व का, उससे कम इस वाले कर्व का, और सबसे कम इस वाले कर्व का. तो इसका टेम्परेचर हो गया T3, इसका टेम्परेचर हुआ T2, इसका टेम्परेचर हुआ T1. बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था बॉयस लॉ का. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो देखिए बॉयस लॉ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो हम क्या ये मान सकते हैं, डेट पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल वी फाइनल. बिल्कुल सही है, डेट पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल वी फाइनल. तो अब क्या कर देंगे, क्वेश्चन में चार वेरिएबल आपके पास में है, तीन वेरिएबल वो दे देंगे, एक फोर्थ वेरिएबल की आपको वैल्यू निकाल लेंगे. जैसे आपको दे दिया गया कि गैस का जो इनिशियल प्रेशर है उसकी वैल्यू है 1.8 एटमॉस्फेयर. गैस इनिशियली जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है उसकी वैल्यू है 6.5 लीटर्स. अब सेम टेम्परेचर पे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे अगर हम गैस का प्रेशर कितना कर दें, फाइनल प्रेशर इसका कर दें 1.3 एटमॉस्फेयर, तो
इसके फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस इस इक्वेशन में वैल्यूज रखनी है और हमें आंसर निकालना। देखिए कैसे करेंगे, पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल, ऐसा हो सकता है? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर कितना है 1.8, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 6.5, फाइनल प्रेशर कितना है दे रखा है 1.3 और फाइनल वॉल्यूम हमें निकालना। तो स्टूडेंट्स फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1.8 मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइडेड बाय 1.3, इसको यूज करें ये कितना हो गया 5, ये वैल्यू आ गई 9 liters। आई थिंक काफी आसान क्वेश्चन था, लेट पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल वी फाइनल। अब इसका एक और फॉर्म क्या आता है, कनेक्टिंग वेसल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका, हमारे पास में एक वेसल है, तो हमने दो वेसल्स ले ली, वेसल ए एंड वेसल बी, एक वेसल ए और एक वेसल बी। अब वेसल ए और वेसल बी के बीच में हमने यहां पे क्या लगा रखा है, एक स्टॉपर, यहां पे एक स्टॉपर लगा रखा है जो यहां से आ गैस के डिफ्यूजन को रोकेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गैस को ट्रांसफर नहीं होने देगा। अब जो वेसल ए है इसमें हमने गैस का जो प्रेशर ले रखा है पी ए, उसकी वैल्यू है 2 atmosphere, और जो वेसल ए है इसका वॉल्यूम है 5 liters, और जो वेसल बी है इसका वॉल्यूम है 8 liters, और यहाँ पर गैस का प्रेशर है 0। डेट मीन्स यहाँ पर क्या क्रिएट हो रखा है, वैक्यूम, वेसल बी में क्रिएट हो रखा है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रखा है। तो अब हमें बताना है कि जब इस स्टॉपर को रिमूव करेंगे तो फाइनल प्रेशर क्या आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा है रिलेशन, हमारे पास क्या होगा, पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल वी फाइनल। ओके, क्वेश्चन क्या है, हमें ये पता लगाना है कि जब इस स्टॉपर को रिमूव करेंगे तो इन दोनों वेसल्स में फाइनल प्रेशर क्या होगा। तो अब आपको बता दें, इन दोनों में जो फाइनल प्रेशर होगा वो स्टेट तब आएगी जब गैस यहाँ से यहाँ डिफ्यूज करना बंद कर देगी। डिफ्यूजन कब रुक जाता है, जब दोनों तरफ दोनों वेसल्स में टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम क्या मानेंगे, इन दोनों तरफ में जो प्रेशर है वो क्या है, सेम। अब देखिए पहले यहाँ प्रेशर कितना था, 0 था, स्टॉपर हमने हटाया, डेट मीन्स यहाँ पे पहले कोई गैस थी नहीं क्योंकि प्रेशर ही 0 है, केवल कंटेनर का वॉल्यूम दे रखा है। तो हमारे इनिशियल प्रेशर कितना हो गया, 2। अब इनिशियल वॉल्यूम, गैस केवल इस वाले साइड पे थी तो गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना है, मान लिए 5। अब आगे फाइनल प्रेशर हमें निकालना है, तो स्टूडेंट्स फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, वेसल ए और वेसल बी दोनों में गैस ट्रांसफर हो गई, इसका मतलब इसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13 liters। सो इसका फाइनल प्रेशर कितना आ जाएगा, 10 / 13 इन टर्म्स ऑफ एटमोसफियर। ओके, और इस क्वेश्चन हमने माना कि जब ये गैस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डिफ्यूज कर रही थी तब दोनों तरफ इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर यहां पे क्या था, कांस्टेंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स बॉयज लॉ के बाद में अब जो नेक्स्ट लॉ है उसका नाम है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने क्या कहा, एक कंटेनर में गैस को ले लीजिए, इसे कंटेनर है, हमने किसी भी गैस का एक फिक्स क्वांटिटी ले लिया, अब हमें क्या रखना है, गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो अब इसका प्रेशर रखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए अब हम क्या करेंगे, गैस के वॉल्यूम को चेंज करेंगे। कैसे, गैस को हम टेम्परेचर ट्रांसफर करेंगे, जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज। चार्ल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करा कि जब गैस का टेम्परेचर 1 degree Celsius से बढ़ जाता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में 1/273.515 फ्रैक्शन से इंक्रीज होता है। क्या उसके अंदर देखा था, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इंक्रीजेस बाय 1/273.515
273.15 फ्रैक्शन ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम बाय 1 degree Celsius राइज इन टेम्परेचर. तो अब चार्ज ने एज्यूम करा, लेट जो भी वो गैस ले रहा है उस गैस का 0 degree Celsius पे जो वॉल्यूम है वो कितना है, वी नॉट. लेट वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 degree Celsius, वो वॉल्यूम उसका कितना हो गया, वी नॉट. लेट उसने माना उसका वॉल्यूम अब टी डिग्री सेल्सियस, 0 degree Celsius के ऊपर टी डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा. तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर वॉल्यूम 0 degree Celsius पे वी नॉट है तो बताओ 1 degree Celsius पे क्या होगा, वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273.15. तो 2 degree Celsius पे क्या होगा, वी नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ वी नॉट अपॉन 273.15. उस तरीके से टी डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वी नॉट प्लस टी टाइम्स ऑफ वी नॉट अपॉन 273.15. आगे उसने कहा लेट वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू वी टी. तो रिलेशन क्या बना, वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी नॉट टी इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273.15. अब ये कितना हो जाएगा, वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट, यहाँ से हमने वी नॉट कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस टी इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273.15. अब इसमें देखिए आगे क्या बन गई, वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट 273.15 प्लस टी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273.15 और वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन 273.15 प्लस टी डिग्री सेल्सियस. तो देखिए इस रिलेशन से क्या समझ में आता था कि अब हमें टेम्परेचर की एक नई स्केल भी मिल रही है. ठीक है, जैसे टेम्परेचर क्या मिली हमें एक नई स्केल, कैसे, जो इनिशियल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में था उसमें हमें एक नंबर ऐड करा, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर की कोई वैल्यू है तो उसमें नई चीज़ जो ऐड कर सकते हैं वो टेम्परेचर ही होगा. डैट मीन्स अब हमें टेम्परेचर की नई वैल्यू क्रिएट हो रही है, एक नई स्केल डेवलप हो रही है डिग्री सेल्सियस से और अलग. उस टेम्परेचर की स्केल को क्या बोला गया, केल्विन स्केल. तो और केल्विन स्केल में क्या माना गया, डेट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.15 प्लस टी इन टर्म्स ऑफ केल्विन. लेट हम मान लेते हैं टेम्परेचर इन केल्विन वो कितना हो गया टी. देयरफोर वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन. तो चार्ल्स लॉ बाद में क्या कन्वर्ट हो गया, दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ केल्विन स्केल. और टेम्परेचर ऑफ द गैस इन केल्विन स्केल को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ एन गैस एट कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब अगर दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हो T1 और T2, तो उसमें गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है उसका रेशियो कैसे निकालेंगे, तो बन जाएगा V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1. तो बड़ा बेसिक सा लॉ है, इसको यूज़ करते हुए, इस रेशियो को यूज़ करते हुए हम अलग अलग टेम्परेचर पे गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर ये दिया जाए कि उसका प्रेशर कॉन्स्टेंट है. तो स्टूडेंट्स अभी हमने चार्ल्स लॉ की इक्वेशन क्या लिखी थी, वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन 273.15 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. बताइए क्या इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, बिल्कुल. ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इट इज स्लोप और ये आ गया टेम्परेचर. अब देखिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, एक्स के पहले जो
वैल्यू दे रखी है वो कैसी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है स्लोप भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये इंटरसेप्ट भी यहाँ पर कैसा है, वॉल्यूम की वैल्यू है, वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसका इंटरसेप्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो देखो अगर इसका हम कर्व प्लॉट करें तो किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इस वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी, डेट मीन्स कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, y एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट से स्टार्ट होगा, इंटरसेप्ट कितना होगा v नॉट। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज होगी, कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह आएगा, ये आ गया हमारा स्ट्रेट लाइन। इसमें ये वैल्यू किसके बराबर है, v नॉट के बराबर है। ये जो स्लोप है वो स्लोप कर्व का कितना आ रहा है, v नॉट अपॉन 273.15, कितना आ रहा है 273.15। क्या ये स्लोप कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, क्योंकि v नॉट तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यहाँ पर दे रखी है, डेट मीन स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट स्लोप को यूज़ करते हुए ये टेम्परेचर हमारे अभी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इस कर्व को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हमने इस कर्व को पीछे एक्सटेंड करना स्टार्ट करा, पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आगे डायरेक्शन में जाने पर जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में वो इंक्रीज हो रहा है और पीछे क्या होगा, डिक्रीज। तो फाइनली हमें एक वैल्यू मिल सकती है यहाँ पर, कितनी, माइनस ऑफ 273.15 डिग्री सेल्सियस। क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस ऑफ 273.15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की इस वैल्यू पर यहाँ पर आप वैल्यू लगाएं तो माइनस 273.15 रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट माइनस वी नॉट, वॉल्यूम की वैल्यू क्या सकती है, 0। देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हम एज्यूम कर सकते हैं कि अभी तक स्लोप कांस्टेंट था, तो इस कर्व को इस तरफ एक्सटेंड करते हुए टेम्परेचर के इस वैल्यू पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, 0 और होगा। पर प्रैक्टिकली किसी गैस का यहाँ पर वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, ये तभी पॉसिबल है जब हम गैस को क्या माने, आइडियल गैस माने। क्योंकि पहले हमने क्या पढ़ा था, जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था, कि जब जैसे जैसे गैस मॉलिक्यूल पास में आएंगे ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कम होगा, गैस मॉलिक्यूल एसोसिएट भी हो सकते हैं, बट आइडियल गैस में एसोसिएट नहीं हो सकते, तो उनमें हम मान सकते हैं कि यहाँ पे फाइनली वॉल्यूम कितना हो रहा है, 0। तो देखो अब हम इसके स्केल को चेंज करें, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, 273.15 केल्विन। तो ये हमारे कितना आ जाएगा, 0 केल्विन। ओके, तो अगर हम केल्विन स्केल को यूज़ करते हुए वॉल्यूम और टेम्परेचर में कर्व प्लॉट करें, किस तरीके से आएगा, वॉल्यूम एट टी केल्विन एंड टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन, कर्व इस तरीके का आएगा। यहाँ पर जीरो के पास में हम कर्व क्रिएट नहीं करते, क्योंकि इतने लो टेम्परेचर पे हमें नहीं पता कि गैस का कितना वॉल्यूम होगा। ओके, तो ये हो गया चार्ल्स लॉ से जुड़े हुए कर्व के बारे में। अब देखते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में क्वेश्चन और क्या क्रिएट हो सकता है। तो देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है, डेट वॉल्यूम इज राइट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, लेट इस कांस्टेंट को हम ले लेते हैं K2। ये कांस्टेंट कितना हो गया, K2। तो हमारे पास में वी अपॉन टी जो है वो वैल्यू किसके बराबर हो गई, एक कॉन्स्टेंट के। अगर वी अपॉन टी का रेशियो एक कॉन्स्टेंट के इक्वल आ रहा है, डेट मीन्स रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर T1 एंड T2, क्या लिखेंगे, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1, ये आ गया, और V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। अब देखिए अगर हमसे कोई क्वेश्चन कहे कि आपने गैस का क्या करा, एक कंटेनर में गैस फिल कर रखी, आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया फ्रॉम T1 से T2, जाहिर सी बात है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कॉन्स्टेंट प्रेशर पे तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा V1 से V2। हमसे पूछा जाए गैस का एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना था जो गैस ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो कैसे निकालेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे जो V2 वैल्यू है
वो वी वन प्लस कितनी है डेल्टा वी, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई कर रही है वो कितनी है डेल्टा वी। तो इसको कैसे लिखेंगे, इट विल बिकम वी वन प्लस डेल्टा वी अपॉन वी वन इज इक्वल्स टू टी टू अपॉन टी वन। ये क्या बन गया, वन प्लस डेल्टा वी अपॉन वी वन इज इक्वल्स टू टी टू अपॉन टी वन। डेट मीन्स फाइनल रिलेशन हमारे पास क्या मिला इसका, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम और इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी वी वन के टर्म में आएगा और कितना हो जाएगा वी वन, वन इस तरफ आएगा कितना हो गया टी टू अपॉन टी वन माइनस वन। तो इसे लिखेंगे टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन, ये क्या हो गया चेंज इन वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं एवोगैड्रोस लॉ। देखिए एवोगैड्रो ने एक लॉ दिया था, क्या था, एट फिक्स वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हमें गैस का प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स रखें देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, एट पी एन टी फिक्स्ड फॉर गैसेस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स। अब आप लोगों को पता होगा मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एवोगैड्रो की डेथ के बाद में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 to 4 years के बाद में, और तब एवोगैड्रो के जो भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था केमिस्ट्री की तरफ उसको ट्रिब्यूट देने के लिए एवोगैड्रो के नाम से एक नंबर असाइन किया गया था जिसकी वैल्यू क्या थी, जिसे कहते थे एवोगैड्रोस नंबर, और वैल्यू क्या थी उसकी 6.022 × 10²³। तो आगे हमने क्या पढ़ा था, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या जनरेट होते हैं मोल्स। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, वी इज राइट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एन, तो एन अपॉन एन क्या बन गया मोल्स। तो एवोगैड्रो लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो गया, दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर क्वांटिटी ऑफ द गैस, और क्या लिखेंगे वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन, वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन, ये दो अलग अलग मोलर क्वांटिटी होगी एन वन और एन टू। ओके, अब देखो अभी तक हमने तीन लॉस पढ़े, एक लॉ पढ़ा है कौन सा बॉयल्स लॉ, एक पढ़ा है चार्ल्स लॉ और एक पढ़ा हमने एवोगैड्रो लॉ। सो बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पी इंटू वी इज कॉन्स्टेंट, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या रहता है कॉन्स्टेंट। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो देखें यहाँ पर अगर हम यहाँ पे इसी लॉ में चार्ल्स लॉ को एक तरीके से यहाँ लगाएं, अगर हम प्रेशर भी कॉन्स्टेंट कर दें तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो रहा है। अब जो कॉन्स्टेंट है वो खुद यहाँ पर क्या आ रहा है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। ओके, डेट मीन्स पी वी इज प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है, दोनों को यूज़ करें क्या आ रहा है पी वी इज प्रोपोर्शनल टू टी। उसके आगे एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो का लॉ क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसने कहा तुम टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट कर दो प्रेशर भी कॉन्स्टेंट कर दो तब भी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो मोलर क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है, डेट मीन्स पी वी की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी N के। ओवरऑल अब हमें क्या मिला, इन तीनों लॉ को कंबाइन कर, देखिए तीन लॉ कौन से है याद रखने के लिए, एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ए बी सी। कौन से लॉज हो गए, ए बी सी, एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो जो नई इक्वेशन बनती है उसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन।
कैसे? अब पी वी इज राइट प्रोपोर्शनल टू टी है, पी वी इज राइट प्रोपोर्शनल टू एन है, दोनों को कंबाइन करा, पी वी इज राइट प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टी आ गया। प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाने के लिए अब हमें कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, क्या हो जाएगा? पी वी इक्वल टू आर एन इंटू टी। यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट है आर, इसे कहते हैं यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। आर इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, इट इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। और आर एक कॉन्स्टेंट है, डेट मीन्स हम आइडियल गैसेस के लिए कुछ भी करें, आइडियल गैस के लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, हमेशा पी वी अपॉन एन टी क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। याद रखना, इस कंडीशन को यूज करते हैं हम आइडियल गैस के ऑलमोस्ट सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, डेट आइडियल गैस के लिए पी वी अपॉन एन टी हमेशा क्या रहता है? कॉन्स्टेंट। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ने जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है पी वी इक्वल टू एन आर टी, उसको यूज करते हुए अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट कैटेगरी जो क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूँ वो कौन से हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ कनेक्टिंग बेसिस। हम दो बेसिस को आपस में कनेक्ट कर देंगे और देखेंगे उससे जुड़ी और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो फर्स्ट हमने दो यहां पर बल्ब्स ले लिए, बल्ब वन, बल्ब ए एल बल्ब बी। आप बल्ब कह दो, वेसल्स कह दो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे बल्ब ए हो गया और बल्ब बी हो गया। इस तरफ गैस का प्रेशर कितना है? पी। इस तरफ कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? वी। और इस तरफ टेम्परेचर कितना है? टी। अब इस तरफ देखें, इस बल्ब में गैस का, सेम गैस हमने ले रखी है, इसका प्रेशर कितना है? पी बी। इसका वॉल्यूम कितना है? वी बी। और इसका टेम्परेचर कितना हो गया? टी। अब हमने क्या करा, इस स्टॉपर को हमने रिमूव कर दिया। जब इस स्टॉपर को रिमूव करेंगे तो गैसेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगी। हम क्या मानेंगे? गैस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगी। कब तक मूव करेगी? यहाँ से यहाँ भी कर सकती है और यहाँ से यहाँ भी कर सकती है। वो तब तक मूव करेगी जब तक यहाँ पर क्या हो जाए? दोनों तरफ गैस का प्रेशर सेम ना हो जाए। ये जो बीच में हमने कंडक्टर यहाँ पे ले रखा है, ये बीच में जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर का वॉल्यूम यहाँ पर क्या है? नेग्लिजिबल। तो मानेंगे यहाँ पे गैस का जो भी मास कलेक्ट हो रखा है, जो भी वॉल्यूम है, वो क्या है? इन दोनों के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल। अब देखिए क्या होगा, जब हम स्टॉपर को रिमूव करेंगे तो बाद में जो फाइनल हमारे पास में गैस का टोटल कंटेनर में जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? तो देखो, बड़ी सिंपल बात है। पहले हम निकालेंगे इसमें गैस के मोल्स कितने हैं और इस कंटेनर में गैस के मोल्स कितने हैं। एक सिंपल सी बात, जब मैं इस स्टॉपर को हटाऊंगा तो गैस के मोल्स इन दोनों में तो मूव करेंगे, इन दोनों कंटेनर से बाहर तो जा नहीं सकते। डेट मीन्स द इनिशियल मोलर क्वांटिटी ऑफ द टोटल गैस इज इक्वल टू फाइनल मोलर क्वांटिटी। क्या करेंगे यहाँ पर? एन ए, बल्ब ए में गैस के मोल्स कितने हैं वो निकालेंगे। तो एन ए कितना आएगा? पी ए वी ए अपॉन आर टी। एन बी, एन बी कितना होगा? पी बी वी बी अपॉन आर टी बी। ओके, अब हमने स्टॉपर को रिमूव करा। स्टॉपर को रिमूव करने के बाद में दोनों चैम्बर्स में जो फाइनल प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं? टोटल इनिशियल मोल्स इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोल्स। गैस के जो टोटल इनिशियल मोल्स हैं उसके टोटल फाइनल मोल्स के बराबर हैं। इनिशियल मोल्स कितने हो गए? एन ए प्लस एन बी। और लेट हमने मान लिया गैस के इस कंटेनर में जो फाइनल मोल्स हैं वो कितने हैं? एन ए डैश। और इस तरफ कितने हो गए? एन बी डैश। तो एक तरफ एन ए डैश और दूसरी तरफ कितना हो गया यहाँ पर? एन बी डैश। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एन ए कितना होगा हमारे लिए? पी ए वी ए अपॉन आर टी। एन बी कितना है? पी बी वी बी अपॉन आर टी। ये किसके बराबर होगा?
एनए डैश होगा फाइनल प्रेशर अलोंग साइड ए. आप देखिए जब गैस डिफ्यूज करेगी तो ये तो हमने ग्लास के बना रखे हैं, कोई ग्लास थोड़ी एक्सपेंड करेगा या कंप्रेस कर जाएगा गैस के डिफ्यूज होने से. तो वॉल्यूम क्या रहेगा उस कंटेनर ए का, ए ही रहेगा. तो पी फाइनल वी ए अपॉन आर टी ए. आप चाहे तो इसे आर टी ए डैश कर सकते हैं ये मानते हुए कि लेट उसका टेम्परेचर चेंज हो गया हो, प्लस पी फाइनल वी बी अपॉन आर टी बी डैश. ये मानते हैं हो सकता है इस तरफ भी क्या हो उसका टेम्परेचर चेंज हो गया हो. तो अब क्या बन जाएगा आर 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 हर जगह से कैंसिल हो जाएंगे. तो ये हो गया हमारे पास पी ए वी ए अपॉन टी ए प्लस पी बी वी बी अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर. फाइनल प्रेशर वी ए अपॉन टी ए डैश वी बी अपॉन टी बी डैश. तो स्टूडेंट्स इस वाले एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में फाइनल प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब देखिए एक एग्जांपल, हमारे पास में इनिशियली पी ए इसकी वैल्यू है पी वन, पी बी इसकी वैल्यू कितनी है पी टू, वी ए वी वन वी बी कितना है वी टू, और टी ए और टी बी इनकी वैल्यूज कितनी होगी हमारे पास टी वन. अब हमने यहाँ पर क्या करा कि जो बल्ब बी है इसको थोड़ा हमने हीट करा, हीट करके इसको टेम्परेचर टी टू पर पहुँचा दिया. तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर इसको हम हीट करके स्टॉपर को रिमूव करने के बाद में अगर इसको हीट करके टेम्परेचर टी टू पर पहुँचाएंगे तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा प्रेशर. तो यहाँ का प्रेशर वहाँ से ज़्यादा हो जाएगा. हमें निकालना है कि जब यहाँ का प्रेशर वहाँ से ज़्यादा होगा तो गैस यहाँ से वहाँ डिफ्यूज़ करेगी, और जब यहाँ से वहाँ डिफ्यूज़ करेगी तो फाइनल प्रेशर क्या होगा इन दोनों वेसल्स के. तो आगे इफ टेम्परेचर ऑफ द बल्ब बी इंक्रीजेस टू टी टू फाइंड पी फाइनल अलोंग बल्ब ए. देखो ये बड़ी अंडरस्टूड वाली बात है, दोनों तरफ फाइनल प्रेशर क्या होगा सेम. तो बस जो जो वैल्यूज दे रखी है वो इस इक्वेशन में रखें और हमारा आंसर आ जाएगा. तो देखिए ये हमारा पास कितना हो गया इनिशियल प्रेशर पी वन, इसका प्रेशर कितना दे रखा है पी टू, इसको भी हम मान ले पी वन के बराबर ही है. तो ये हो गया पी वन वी वन, इसका भी वॉल्यूम हम मान लेते हैं वी वन. तो कितना हो गया पी वन वी वन अपॉन टी वन प्लस इसका हो गया पी वन वी वन अपॉन टी वन. तो हो गया पी वन वी वन अपॉन टी वन पी फाइन. वी ए कितना आया हमारे लिए, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, अपॉन टी वन, और दूसरा कितना हो गया वी वन अपॉन टेम्परेचर टी टू. ये हो गया तो फाइनल प्रेशर क्या आ जाएगा, ये हो गया ट्वाइस ऑफ पी वन वी वन अपॉन टी वन, ट्वाइस ऑफ पी वन वी वन अपॉन टी वन डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया वी वन अपॉन टी वन, वी वन को हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू प्लस टी वन. तो हो जाएगा हमारे पास वी वन टी टू प्लस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू. देखें जो वी वन वाला पोर्शन है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमीटर में डिनोमीटर का टी वन और डिनोमीटर ये हो गया कैंसिल. तो ये कितना आया ट्वाइस ऑफ पी वन इंटू टी टू डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू. ये हमारा एक्सप्रेशन बनाएगा ऊपर जाकर ट्वाइस ऑफ पी वन इंटू टी टू डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू या टी टू प्लस टी वन. ओके स्टूडेंट्स ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये जेई मेन्स में पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स के अंदर. ओके स्टूडेंट्स अब लोग कनेक्टिंग वेसल से जुड़ी हुई एक स्टूडेंट्स अब हम लोग कनेक्टिंग वेसल से जुड़ी हुई एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ओके प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास में ये टू बल्ब्स बना रखे हैं, इनको एक नेगेजिबल वॉल्यूम की ट्यूब से कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर बीच में एक स्टॉपर लगा रखा है. इस तरफ हमारे पास में
टू मोल हीलियम गैस जिनका कंटेनर का जो वॉल्यूम है ये ले लिया गया है 5 लीटर और जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन। इस तरफ कितना हो गया टेम्परेचर 300 केल्विन। इस तरफ देखें तो हमारे पास में टू मोल ऑक्सीजन गैस कंटेनर का वॉल्यूम कितना ले लिया 10 लीटर और इसका टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन। तब क्वेश्चन क्या है जब इस स्टॉपर को रिमूव करेंगे तो इन दोनों वेसल्स में फाइनल प्रेशर क्या होगा और साथ साथ में स्टॉपर को रिमूव करने पर कौन सी गैस किस तरफ डिफ्यूज करेगी, क्या हीलियम गैस इस तरफ डिफ्यूज करेगी या ऑक्सीजन गैस इस तरफ डिफ्यूज करेगी, ये हमें देखना है। और जो भी गैस डिफ्यूज करी है उसके कितने मोल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डिफ्यूज करेंगे, जैसे अगर O2 इस तरफ डिफ्यूज करी है तो O2 के कितने मोल डिफ्यूज करेंगे, या अगर हीलियम इस तरफ डिफ्यूज करी है तो कितने मोल्स डिफ्यूज करेंगे। तो उसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए जब स्टॉपर को रिमूव करेंगे इससे पहले निकालते हैं कि दोनों तरफ यहाँ पर प्रेशर क्या है स्टॉपर को रिमूव करने से पहले, तो इनके इनिशियल प्रेशर्स वैल्यूज ऑफ प्रेशर, इनिशियल वैल्यूज ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगी, ये वेसल ए और ये वेसल बी, बल्ब ए और बल्ब बी, तो हो गया पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी ए अपॉन वी ए अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। इसकी वैल्यू क्या आएगी, मोल्स है 2, आर को आर ही रहने देते हैं, इसका टेम्परेचर कितना है 300 डिवाइड बाय वेसल का वॉल्यूम कितना है 5, ये कितना हो गया 300 मल्टीप्लाई बाय 2 600 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ 120 इन टर्म्स ऑफ आर, ये सिर्फ प्रेशर आ रहा है। अब देखते हैं बी की तरफ प्रेशर कितना है, ये हो जाएगा एन बी आर टी बी अपॉन वी बी, ये कितना हो जाएगा, इस तरफ भी मोल्स कितने हैं 2, आर टेम्परेचर है 400 और वेसल का हमने वॉल्यूम कितना ले रखा है यहाँ पर 10 लीटर्स, ये कितना हो गया 40, ये आया 80 टाइम्स ऑफ आर। तो अब बताइए किस तरफ प्रेशर ज़्यादा है ए और बी में से, ए की तरफ, अगर ए की तरफ गैस का प्रेशर बी से ज़्यादा है डेट मीन्स स्टॉपर को रिमूव करने पर कौन सी गैस किस तरफ डिफ्यूज करेगी, वेसल ए से वेसल बी डिफ्यूज करेगी हीलियम गैस। ओके तो वेसल ए से वेसल बी की तरफ हीलियम गैस डिफ्यूज करेगी, इस तरफ जाएगी। ओके लेट हम एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे स्टॉपर को रिमूव करा तो वह हीलियम गैस ए से बी जो डिफ्यूज करी है उसके मोल्स कितने हैं एक्स मोल्स, तो देखो इनिशियली इसके मोल कितने थे यहाँ पर गैस के, जो टोटल मोल कितने थे 2, यहाँ पर गैस के टोटल मोल कितने थे 2, अगर हीलियम गैस के एक्स मोल डिफ्यूज करेंगे तो अब यहाँ पे गैस के मोल कितने हो जाएंगे 2 माइनस एक्स, यहाँ पे गैस के मोल्स कितने हो जाएंगे 2 प्लस एक्स, ये मानते हुए कि हीलियम गैस O2 गैस से यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगी तो यहाँ पर जो मोलर क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसके मोल्स हो गए 2 माइनस एक्स, ये कितना हुआ मोल्स 2 प्लस एक्स। अब देखिए जब ये सारा डिफ्यूजन हो जाएगा तो इन दोनों तरफ का फाइनली प्रेशर क्या हो जाएगा सेम, तब आगे इक्वेशन क्या लिखेंगे फाइनल कंडीशन की, फाइनल कंडीशन में फाइनल प्रेशर अलोंग साइड ए मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ साइड ए इज इक्वल्स टू फाइनल मोल्स, फाइनल मोल्स कितने मान लिए हमने अभी 2 माइनस एक्स, क्योंकि मान रहे हैं वहाँ से गैस डिफ्यूज करी है, आर इंटू टेम्परेचर टूवर्ड्स ए, वैसे हम क्या लिखेंगे फाइनल प्रेशर टूवर्ड्स बी इंटू वी बी इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स आर इंटू टी। अभी आपको क्या कहा कि जब स्टॉपर को रिमूव करेंगे सब कुछ डिफ्यूजन हो जाएगा तो फाइनल कंडीशन में दोनों तरफ प्रेशर क्या रहेगा सेम, तो फाइनल प्रेशर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का आप ऐड कर लो, ऐड करने पर क्या आएगा पी फाइनल ए ये वी ए हो गया, पी फाइनल बी ये कितना हो गया वी बी, तो पी फाइनल इंटू वी ए प्लस पी फाइनल इंटू वी बी, इक्वेशन बनी इट विल बी इक्वल टू 2 माइनस एक्स आर इंटू टी ए प्लस 2 प्लस एक्स आर इंटू टी।
बस हम इनकी वैल्यूज रखेंगे और आंसर निकाल सकते हैं. देखिए क्या आएगा. लेट पी फाइनल को कितना मान लेते हैं, पी. ये कितना हो गया वॉल्यूम इसका 5, और ये वॉल्यूम कितना दे रखा है 10. तो ये कितना हो गया 5 टाइम्स ऑफ फाइनल प्रेशर, इट इज 10 टाइम्स ऑफ फाइनल प्रेशर, इट विल बी इक्वल 2 माइनस एक्स, इसे रख लेते हैं आर. एक ही तरफ का टेम्परेचर ये मानते हुए दोनों तरफ टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, ये टेम्परेचर कितना हुआ 300 प्लस 2 प्लस एक्स आर, और ये टेम्परेचर कितना हुआ हमारे लिए 400. इसको सॉल्व करें, ये कितना हो गया हमारे लिए 600 माइनस का माइनस 300 एक्स इंटू आर प्लस 400 को इस तरफ ले आए, ये कितना हो गया 800 प्लस 400 एक्स इंटू आर. तो 600 और 800 कितना हुआ 1400 माइनस 300 एक्स आर प्लस 400 एक्स आर, ये कितना हो गया 100 एक्स इंटू आर, और ये हमारा कितना आया 15 टाइम्स ऑफ पी फाइनल. डेट मीन्स अगर हमें बताओ x की वैल्यू क्या है तो हम निकाल सकते हैं इसके अंदर फाइनल प्रेशर क्या आएगा. तो देखो x की वैल्यू कैसे निकालें. अब देखिए फाइनली दोनों तरफ प्रेशर क्या हो जाना है, सेम हो जाना है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी फाइनल टूवर्ड्स ए इज इक्वल्स टू पी फाइनल टूवर्ड्स बी. फाइनल प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए तरफ, ए की तरफ 2 माइनस एक्स आर इंटू टी ए डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यू इसका हो गया वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स आर इंटू टी बी डिवाइड बाय वॉल्यूम टूवर्ड्स बी. इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा आर से आर तो कैंसिल हो गया, ये हुआ 2 माइनस एक्स, टेम्परेचर कितना है 300 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 5, और ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, टेम्परेचर है 400 और वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 10. इसको सॉल्व करें, 300 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया यहाँ पर 60, 60 को इस तरफ ले गए कितना आ गया 120. तो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 120 माइनस 60x इज इक्वल, ये से कैंसिल कर दें, ये हो गया 40 इस तरफ कितना आ गया ये 80 के बराबर, 80 प्लस 40x, 80 इस तरफ जाएगा तो 120 माइनस 80 कितना आ जाएगा 40, 60x इस तरफ आएगा ऐड हो जाएगा 100 ऑफ एक्स. डेट मीन्स इक्वेशन क्या बनेगी, 40 इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ एक्स, देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी है 0.4, कितना आएगा फाइनली हमारे पास एक्स की वैल्यू 0.4 मोल. तो हम यहाँ पे रखते हैं 15 टाइम्स ऑफ पी फाइनल इज इक्वल्स टू 1400 प्लस 100, एक्स की वैल्यू है 0.4 इंटू आगे लिखें आर, ये कितना हो गया 40 टाइम्स ऑफ आर, ये हो गया 1440 सॉरी ये हो गया हमारा 1400 प्लस 40 टाइम्स ऑफ आर 15 पी फाइनल. अब कुछ नहीं करना, अब आर की वैल्यू रखें 0.0821, इसे मल्टीप्लाई करें, इसको इसमें ऐड करें, 15 से डिवाइड करेगा, फाइनल प्रेशर आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स अब लोग पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ आइडियल गैसेस. तो देखिए क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी. ये क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय इट्स मोलर मास मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी. ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल्स टू और पी एम नॉट इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी आर इंटू टी. और ये तो आई थिंक बच्चे को पता होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी. तो अब यहाँ पे गैस की डेंसिटी डी क्या लिखेंगे, इट इज पी एम नॉट अपॉन आर टी, पी एम नॉट अपॉन आर टी, वेयर पी इज प्रेशर ऑफ द गैस, टी टेम्परेचर ऑफ द गैस, एम नॉट इज मोलर मास ऑफ द गैस. ओके अब देखो कैसे लिखेंगे. एग्जाम्पल जो हमारे पास में एयर है, एयर का जो एवरेज मोलर मास है वो है 28.80, कितना है
28.80. अब एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, डेट मीन्स टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस, या ऐसे कर लेते हैं 273 केल्विन, और प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू मान लेते हैं 1 atm. इस पर एयर की डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ एयर, तो डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगा प्रेशर 1, मोलर मास कितना हो गया 28.80 डिवाइड बाय आर, आर की वैल्यू की 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 273, ये कितना हो जाएगा 28.80 डिवाइडेड बाय 22.40 और नियर बाय ये वैल्यू हो जाएगी 1.3 इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर. डेंसिटी क्या है, ग्राम पर लीटर है, याद रखना ये ग्राम पर ml नहीं है, ग्राम पर लीटर है. डेट मीन्स एक लीटर में जो गैस का टोटल मास है वो कितना है, 1 ग्राम के बराबर. ओके, ये हो गया हमारे पास डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस. बट बात आती है, मैंने आपको डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस क्यों पढ़ा है, क्योंकि अब हमें जो गैसेस स्टेट है इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ना है, जिसे कहते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ग्राम्स ने कहा था गैसेस के डिफ्यूज करने में उनके डेंसिटी का रूल होता है, इसलिए पहले मैंने फॉर्मूला लिखा डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस. तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. अब लोग पढ़ते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, देखिए इसका मतलब क्या है. ग्राम ने एक्सपेरिमेंट करके कुछ लॉज दिए थे गैस के डिफ्यूजन्स के लिए. सो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन. हम एक गैस की कंसंट्रेशन, गैस के अमाउंट को जनरली एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, उसका प्रेशर. तो व्हाट इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये कहता है कि गैस जो होती है वो अपने हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती है. सो इट इज मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टुवर्ड्स लो प्रेशर रीजन. हाई प्रेशर रीजन से गैस लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती है. कैसे, ग्राम ने कहा लेट हम माने एक तरीके का हमारे पास में पार्टीशन है, यहां पर है ये रीजन ए, यहां पर एक गैस है, ये हो गया रीजन बी, यहां पे सेम गैस प्रेजेंट है, दोनों तरफ क्या है सेम गैस प्रेजेंट है, बट गैस का इस तरफ प्रेशर हमने मान लिया लेट पी वन है और इस तरफ लेट प्रेशर कितना हो गया पी टू. अब हमने क्या करा, इस पार्टीशन को हटा दिया. जब इस पार्टीशन को रिमूव करेंगे या गैस पार्टीशन बहुत सारे हम छेद कर दें, तो गैस क्या करेगी अपने हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी. लेट एज्यूम कर लेते हैं ये वाला जो प्रेशर है वो है हाई प्रेशर और ये वाला प्रेशर हो गया लो. तो गैस क्या करेगी इस रीजन से इस रीजन की तरफ मूव करेगी, इसे कहते हैं डिफ्यूजन. तो गैस का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम पी वन टू पी टू. अब ग्राम ने अपना लॉ क्या दिया था, डेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैस के डिफ्यूज होने की जो रेट होगी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर डिफरेंस. डेट मीन्स हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, पी वन माइनस का पी टू. ओके, अब एज्यूम करें, एज्यूमिंग जीरो प्रेशर ऑफ द सेम गैस टूवर्ड्स रीजन बी. जो हमने रीजन बी एज्यूम कर रखा है, माने यहां पे वो गैस थी नहीं, तो उसका प्रेशर कितना हो गया जीरो.
अगर P2 की वैल्यू 0 है तो देखिए P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा, P1। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1। सो ग्राम ने कहा कि अगर गैस एक ऐसे रीजन से डिफ्यूज कर रही है, ऐसे रीजन के तरफ डिफ्यूज कर रही है जिस तरफ उस गैस का कोई भी अमाउंट नहीं है, तो गैस के डिफ्यूज होने की जो रेट होगी वो गैस के उस प्रेशर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा गैस उतनी हाई रेट से डिफ्यूज करेगी। आगे ग्राम ने कहा अगर हम अलग अलग गैसेस का डिफ्यूजन चेक करें तो उसमें गैसेस की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो फर्दर फॉर डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम सेम प्रेशर पी, अलग अलग गैसेस हैं जो सेम प्रेशर है उससे डिफ्यूज कर रही हैं, तो देखो क्या होगा। उसने कहा डेट रेट ऑफ डिफ्यूजन इन डेट कंडीशन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। अगर गैस की डेंसिटी यहाँ पर हाई होगी तो गैस का डिफ्यूजन का क्या होगा, रेट स्लो होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे पास में दो लोग हैं, एक काफ़ी मोटा है और एक काफ़ी दुबला है, तो जो मोटा होगा उसे हम कह सकते हैं उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो तेज़ी से मूव नहीं करेगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तेज़ी से मूव करेगा। डेट मीन्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस। अभी हमने क्या लिखा था, डेंसिटी का फॉर्मूला, गैस की डेंसिटी होती है d इज इक्वल्स टू पी एम नॉट अपॉन आर टी। यहाँ पे प्रेशर तो हमने सेम मान रखा है, तो अब हमारे पास में अगर हम माने सेम टेम्परेचर भी है, इफ p और t ये दोनों ही गैसेस के लिए क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए सेम, तो सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। और ओवरऑल क्या बन गया, ये लॉ ओवरऑल ग्राम ने जो लॉ दिया था डेट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये ओवरऑल है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ओके, देखिए डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में फर्क कुछ नहीं है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, जब एक गैस एक पोर के थ्रू एक रीजन से दूसरे रीजन तक डिफ्यूज करती है उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जैसे एक पार्टीशन हमने लिया, यहाँ पर हमने एक एपर्चर बना दिया और जो गैस है वो एक रीजन से दूसरे रीजन इस एपर्चर के थ्रू डिफ्यूज करी है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम थ्रू एन एपर्चर फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टुवर्ड्स अ लो प्रेशर रीजन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो सारे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के जितने भी लॉ थे, जितने भी स्टेटमेंट्स हमने बोले थे, वो सारे इसके ऊपर एप्लीकेबल हैं। साथ साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट रेट ऑफ डिफ्यूजन, पहले जो रिलेशन थे सारे वैलिड है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक और क्या रिलेशन आएगा कि ये एपर्चर का एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो गैस उतनी इजीली यहाँ पर डिफ्यूज करेगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ एपर्चर। डेट मीन्स अगर हम कंप्लीट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को देखें तो हमारा क्या बन जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, एरिया ऑफ एपर्चर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, पी ए स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम, पूरी रेट ऑफ डिफ्यूजन इसके प्रोपोर्शनल है। ओके स्टूडेंट्स, तब हम देखते हैं कुछ बेसिक्स एंड न्यूमेरिकल्स लॉज ऑफ डिफ्यूजन पे या लॉज ऑफ डिफ्यूजन पे। तो क्वेश्चन नंबर वन, हमारे पास में एक ये ट्यूब है,
लेट इस ट्यूब की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, एल के बराबर। ट्यूब की लेंथ कितनी हो गई यहां पर, एल के बराबर। यहां पर एक गैस है, गैस ए, वो डिफ्यूज कर रही है, उसका मास कितना है, एम नॉट ए। यहां पर एक गैस डिफ्यूज कर रही है, गैस बी, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, एम नॉट बी। हमें दे रखा है दोनों तरफ क्या है, सेम, जो गैसेस डिफ्यूज कर रही हैं इस तरफ, इनका क्या है, सेम प्रेशर, सेम एरिया ऑफ एपर्चर, और जो टेम्परेचर है वो हमें क्या ले रखा है, सेम। डेट मीन्स अब जो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, केवल इनके मॉलिक्यूलर मास पर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस ए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस बी। और देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, गैस डिफ्यूज करी है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखने का तरीका क्या हो गया, रेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। देखिए ये जो हमने सिलेंड्रिकल ट्यूब यहां पे एज्यूम कर रखा है, गैस का जो वॉल्यूम डिफ्यूज करेगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इसे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, गैस कौन सी लेंथ डिफ्यूज करेगी, डिवाइडेड बाय टाइम। एक और फॉर्मूला देखें, अगर हम माने जो हमने गैस ले रखी है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर लिया, तो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम डिफ्यूज करता है वो मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। यहां तक हमने क्या देखा, जो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सेम प्रेशर टेम्परेचर और एरिया ऑफ एपर्चर पर क्या होगा, उनके मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन, इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ अपॉन टाइम टेकन। तो क्या हम लेंथ से भी आंसर निकाल सकते हैं ना, क्या हो सकता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लेंथ ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन, तो लेंथ से भी आ सकता है। तो देखो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन आर बी, आर ए अपॉन आर बी को क्या लिखेंगे, लेट हम एज्यूम करते हैं टी टाइम में गैस ए यहां पर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और ये गैस इतने टाइम में जब इससे कंबाइन होती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एल माइनस एक्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे लिए एरिया ऑफ एपर्चर लेंथ अपॉन टाइम टी डिवाइड बाय एरिया ऑफ एपर्चर एल माइनस एक्स अपॉन टाइम टी। तो ए से ए कैंसिल हुआ, टी से टी कैंसिल हो गया, ये कितना हुआ, एक्स अपॉन एल माइनस एक्स, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ आर ए और आर बी का रेशियो क्या होगा, इनके मॉलिक्यूलर मास के रिलेशन में निकल सकता है, तो बन जाएगा आर ए अपॉन आर बी, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम नॉट बी अपॉन एम नॉट ए, इनके मॉलिक्यूलर मास आ गए, इन दोनों को जोड़े ये क्या बन गया, एक्स अपॉन एल माइनस एक्स। ओके, तो अभी हमारे पास क्या आ गया, एम नॉट ऑफ बी एल माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एम नॉट ऑफ ए इंटू एक्स, तो ये हुआ एम नॉट ऑफ बी इंटू एल माइनस ऑफ एम नॉट ऑफ बी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एम नॉट ऑफ ए इंटू एक्स। इसको इस तरफ ले आए तो हमारा x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एम नॉट ऑफ बी इंटू एल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम नॉट ऑफ बी प्लस एम नॉट ऑफ ए। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि जब ये गैस a और b इस ट्यूब में एक दूसरे से मीट करेगी आफ्टर टाइम t, तो वो डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, x से,
और यहाँ से कितना। तो स्टूडेंट्स देखें, ये हमने फॉर्मूला डिराइव करा कि अगर दो गैसेज हो रही हैं, इधर से गैस ए और इधर से गैस बी, गैस ए इधर से डिफ्यूज़ हो रही है और गैस बी इधर से डिफ्यूज़ हो रही है, दोनों एक दूसरे से मीट करेगी आफ्टर टाइम टी। ये इसके कितनी लेंथ डिफ्यूज हो रही है, एक्स लेंथ तक, और ये होगा एल माइनस एक्स। अगर हम माने पूरी जो हमारे पास जो चैम्बर बना रखा है बीच में, जो ट्यूब बना रखी है, उसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल है, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एम नॉट बी इंटू एल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम नॉट बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम नॉट ए। देखिए एग्जाम्पल इसका, हमारे पास में ये एक ट्यूब है, इसकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। इस तरफ से अमोनिया गैस डिफ्यूज़ हो रही है और इस तरफ से HCl गैस डिफ्यूज़ हो रही है। दोनों की तरफ जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो भी सेम दे रखा है, ठीक है। अब देखो हमें पता है अमोनिया गैस जब HCl गैस से कंबाइन होती है तो किसी ना किसी पॉइंट पर क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, वाइट कलर का अमोनियम क्लोराइड। लेट हमने मान लिया यहाँ पर बन रहा है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। जिस पॉइंट पे अमोनियम क्लोराइड सबसे पहले बनेगा उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है x, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 माइनस x। हमें निकालना है x की वैल्यू क्या है। अमोनिया का मॉलिकुलर मास कितना होता है 17, HCl का मॉलिकुलर मास कितना है 36.5। तो स्टूडेंट से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x होगा m नॉट ऑफ b का स्क्वायर रूट, डेट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 36.5। आगे लेंथ कितनी है हमारे पास में 100 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 36.5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 70। इससे x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके okay. एक और एग्जांपल लें गैस चेंज करते हुए। हमारे पास में एक चैम्बर है, इस तरफ गैस डिफ्यूज कर रही है, लेट गैस हमारे पास कौन सी हो गई SO2। इस तरफ गैस डिफ्यूज कर रही है और जो गैस है हमारे पास में कौन सी आ गई, इसमें O2 मान लेते हैं। तो जो SO2 है इसका मॉलिकुलर मास कितना है 32 + 32 = 64, और जो O2 है इसका मॉलिकुलर मास कितना है 32। तो इसमें यहाँ से कितने डिस्टेंस पर वो एक दूसरे से मीट करेगी। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिर से वही है 100 सेंटीमीटर। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 32 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 32 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 64। इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात हमें समझ में आती है कि जब दो गैसेस एक ट्यूब के में डिफ्यूज़ करती है तो उनका जो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट होता है वो डिस्टेंस किसके नज़दीक होगा, आप बताइए। वो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट नज़दीक होगा उस गैस के जिसका मास ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर ये जो HCl गैस है इसका मास अमोनिया से ज़्यादा है, तो जो उनका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट आएगा वो HCl के पास में होगा और अमोनिया से दूर होगा। अब यहाँ पर देखें SO2 और O2 में हैवी गैस कौन सी है, SO2। तो उनका जो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट होगा, जो x की वैल्यू आएगी वो SO2 के पास में होगी। डैट मीन्स अगर ये पूरा 100 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर मतलब आधी ट्यूब होगी, आधी ट्यूब के इस तरफ ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, और ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर है तो रिएक्शन कहाँ स्टार्ट होगी, 50 सेंटीमीटर के इस तरफ HCl के नज़दीक। तो रिएक्शन स्टार्ट होगी टुवर्ड्स HCl एंड, क्लोजर टू HCl एंड, यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होगी क्लोजर टू द SO2 एंड। ओके स्टूडेंट्स।